हेलो एवरी वन हाउ आर यू ऑल वेलकम टू माई चैनल सोशल साइंस विद तापूशी होप यू ऑल आर वेल एट होम एंड एन्जॉइंग ऑनलाइन क्लासेस सो टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर एटीन डक्कन एंड साउथ इंडिया इन लेसन नंबर फोर्टीन वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट अर्ली हिस्ट्री ऑफ डक्कन एंड साउथ इंडिया और उस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा था चोला चेराज और पांड्याज के बारे में तो आज हम लेसन नंबर एटीन पढ़ेंगे डक्कन एंड साउथ इंडिया इन फोर्थ सेंचुरी सी ई टू सेवन सेंचुरी सी ई एंड आफ्टर द फॉल ऑफ सातवानास ड्यूरिंग फोर्थ टू सेवन्थ सेंचुरी सी ई मैनी किंगडम्स रोज इन डक्कन एंड साउथ इंडिया बहुत सारे किंगडम्स आए थे आ, आपके सातवानास के फॉल के बाद उनमें से इस चैप्टर में हम दो किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे एक चालुक्या चालुक्या किंगडम एंड अबाउट पल्लवास नाउ अबाउट चालुक्यास चालुक्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम था सातवाहन के फॉल के बाद और चालुक्या की कैपिटल वॉज वतापी अब इज मॉडर्न बदामी इन कर्नाटका अब ये कर्नाटका में है उसका नाम बदामी है और पहले चालुक्या की कैपिटल क्या थी वतापी आपको ये याद रखना है एंड द फेमस रूलर पुलकिशन सेकेंड ये कुछ नेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं एंड पुलकिशन सेकंड वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धना जब पुल, पुलकिशन सेकेंड आपके साउथ में आपके शासन कर रहा था उसी टाइम उसी काल में हर्षवर्धना नॉर्थ में था एंड ही ही डिफीटेड दैट मीन्स पुलकिशन सेकेंड डिफीटेड हर्षवर्धना इन फायर्स बैटल एक भयानक लड़ाई में पुलकिशन सेकेंड ने हर्षवर्धन को भी हराया था तो क्या क्या याद रखना है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम आफ्टर द फॉल ऑफ सातवाना चालुक्यास कैपिटल ऑफ चालुक्यास वतापी एंड द मोस्ट फेमस रूलर पुलकिशन सेकेंड एंड ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धना नेक्स्ट अबाउट आर्क एन आर्किटेक्चर ऑफ चालुक्या चालुक्या के आर्क एन आर्किटेक्चर पता करते हैं चालुक्या किंग पैट्रोनाइज आर्क एन आर्किटेक्चर बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे आर्क एंड आर्किटेक्चर में उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए अल में टाउन ऑफ बदामी एंड पट्टा कहाँ पे टेम्पल्स बनाए थे ए होल में एंड इनके फेमस टेम्पल्स आपको नेम्स याद करने हैं पापा पापानथा टेम्पल ये देखिए पापा पापानथा टेम्पल है जो पट्टल कर्नाटका में है एट सिक्स एटी सी ई एंड वीरूपक्षा टेम्पल तो so ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चालुक्यास तो so आर्क एंड आर्किटेक्चर में आपको इन दोनों टेम्पल्स के नाम लिखने हैं एंड द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स इनके जो वॉल्स हुआ करते थे टेम्पल्स के वर डेकोरेटेड विथ सीन्स फ्रॉम रामायण रामायणा के जो सीन्स हुआ करते थे उससे डेकोरेट किया जाता था अब इसके साथ साथ कुछ और टेम्पल्स आपको अयोल में बदामी पटर में कुछ और टेम्पल्स हैं चालुक्यास के पीरियड में ये दिस वन इज केव और ये टेम्पल देखिए आप ये आर्क एंड आर्किटेक्चर के ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चालुक्य केव एंड ब्यूटीफुल्स स्कल्चर्स एट द टाइम ऑफ चालुक्यास ये केव और कितने ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बने होते थे चालुक्या के टाइम में यू कैन सी इन द पिक्चर्स और ये आपको चालुक्या एम्पायर दिख रहा होगा यहाँ पे नाउ अबाउट द एंड ऑफ चालुक्या किंगडम अब चालुक्या किंगडम का एंड कैसे हुआ 753 फिफ्टी में लास्ट जो सॉरी जो राष्ट्रकुटा किंग आए थे दंती राष्ट्रकुटा दंती जो किंग आए थे उन्होंने लास्ट चालुक्या किंग कीर्तिवर्मन को हरा दिया था लास्ट चालुक्य किंग कीर्ति वर्मन को किसने हराया राष्ट्रकुटा किंग दंती में और इसी तरह जो ये चालुक्या जो किंगडम था एम्पायर था इसका एंड हो जाता है इसके बाद आपका आता है पल्लवा आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सात वाहना द पल्लवा गेन पावर इन द साउथ चालुक्यास तो आए थे उसके बाद कौन आया था पल्लवा यहाँ पे साउथ में पल्लवा किंगडम आ गई थी और इसका पल्लवा का कैपिटल कांची कांचीपुरम नियर चेन्नई चिन्नई के पास कांचीपुरम जगह के नाम से पहले इसको कांची बोला जाता था और आपको ध्यान है चालुक्या का कैपिटल वतापी तो इसको कंपेयर करते हुए आपको देखना है तो आपको दोनों किंगडम्स याद रहेंगे अब आते हैं इम्पॉर्टेंट किंग के बारे में इंपॉर्टेंट किंग चालुक्या का क्या, क्या बताया था आपको पुलकिशन सेकेंड इसका मोस्ट पावरफुल किंग महेंद्र वर्मन ही वॉज ऑल्सो द कंटेम्प्ररी ऑफ हर्षवर्धना जैसे पुलकिशन सेकेंड भी कंटेम्प्ररी था हर्षवर्धन का वैसे ही महेंद्र वर्मन भी थे warrior, ही वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट वैरियर ये बहुत बड़े विजेता ही नहीं थे ऑल्सो ए वेरी गुड पोएट आर्टिस्ट ड्रामाटिस्ट एंड म्यूजिशियन इन द अर्ली पीरियड ऑफ हिज रूल ही वॉज दी फॉलोअर ऑफ जैनिज़्म पहले वो जैनिज्म धर्म को अपना अपनाया था उन्होंने बट लेटर ऑन भी किए मैं डिवोटी ऑफ शिवा बाद में वो शिवा के भक्त भी बन गए इसके बाद कौन सा राजा आया वो थे नरसिम्हा वर्मन नरसिम्हा वर्मन सक्सीडेड इज फादर महेंद्र वर्मन नरसिम्हा वर्मन महेंद्र वर्मन के बाद आए थे ही वॉज ए ग्रेट वारियर ये भी अब महेंद्र वर्मन जिसके तरफ बहुत बड़े विजेता थे एंड ही डिफ़ीटेड पुलकिशन सेकेंड पुलकिशन सेकेंड जो चालुक्य के फेमस राजा थे उसको भी उन्होंने नरसिम्हा वर्मन ने तीन बार हराया था और इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी बदामी बदामी बनाई नहीं थी उनको पुलकिशन सेकंड को हराने के बाद वो ब्रॉट हिज कैपिटल बदामी अंडर हिज रूल बदामी को भी उन्होंने अपने रूल में ले लिया था इन्होंने भी अपने बहुत सारे कंटेम्प्ररी रूलर्स को उनके काल में बहुत सारे समकालीन रूलर्स को हराया था नरसिम्बा वर्मन ने और उन्होंने अपनी एंड एस्टैब्लिस्ड हिज एम्पायर और अपने एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था अब एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम पावर वाज इन हैंड ऑफ किंग राजा के हाथ में थी ये आपको हर में याद करना है आप हर एक एडमिनिस्ट्रेशन में आप लिख सकते हो किसी भी पीरियड के

जो आपको याद रखना है वो क्या है देर वर मैनी असेंबलीज बहुत सारी असेंबलीज होती थी विच लुक्ड आफ्टर डिफरेंट फंक्शंस अलग अलग फंक्शंस को देखते थे क्या उन कौन से फंक्शंस लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इरीगेशन एक्सेट्रा अब मैनी असेंबलीज में सभा असेंबली होती थी ब्राह्मीण लैंड ओनर्स की ये नाम आपको याद रखना है सभा ब्राह्मीण लैंड ओनर्स की असेंबली और नॉन ब्राह्मीस लैंड ओनर्स की असेंबली और नगराम मर्चेंट्स असेंबली तो ये आपको ध्यान रखना है मर्चेंट्स के असेंबली को नॉन ब्राह्मीस लैंड ओनर के असेंबली को और ब्राह्मीन लैंड ओनर्स के असेंबली को क्या कहते थे नेक्स्ट अबाउट आर्क एन आर्किटेक्चर आर्क एंड आर्किटेक्चर में चालुक्य के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं पापा नथा टेम्पल और वीरूपक्षा टेम्पल मोस्ट फेमस टेम्पल हुआ करते थे इसमें हम देखते हैं कौन से फेमस टेम्पल थे पल्लवा किंग्स बिल्ट रॉक कट हॉल्स और रॉक कट हॉल्स बनवाते थे मंडप्स विथ मैनी पिलर्स उसमें पिलर्स बने होते थे और ऐसे टेम्पल्स आज भी देखने को मिलते हैं कहाँ पे ट्रिची पुड्डू कोटाई मुगल राजपुरम और उंदवली ऐसे टेम्पल्स रॉक कट हॉल्स मंडप्स विथ मैनी पिलर्स तो आप फर्स्ट पॉइंट में याद कर सकते हैं ये वाला क्योंकि उसमें आपको आर्क एंड आर्किटेक्चर ऑफ पल्लवा पीरियड क्वेश्चन आई थिंक इज इन ई पार्ट तो आप इनमें से पॉइंट्स ले सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल रॉक कट रथा शेप लाइक चैरियट चैरियट की तरह बना होता था आपके रथ की तरह वो कहाँ पे है महाबलीपुरम नियर चेन्नई इन तमिलनाडु ये भी फेमस टेम्पल है फॉर दे डेलिकेट ब्यूटी रॉक कट रथा टेम्पल नेक्स्ट कौन सा रॉक कट रथा टेम्पल पंच आज आप देख सकते हैं ये रॉक कट रथा टेम्पल है रॉक को कट करके रथ के शेप में बनाया हुआ है ऐसे ही पांच रथ बने हुए हैं आ, किसके धर्मराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव और द्रौपदी ऐसे ही पंचरथा बने हुए हैं ये आपके रथा रॉक कट रथा टेम्पल है ये इसका एग्जाम्पल है।, है, है ये नेक्स्ट आता है अदर पल्लवा टेम्पल्स दूसरे पल्लवा टेम्पल कैलाशना टेम्पल ये देखिए कैलाशना टेम्पल है ये कितना सुंदर ये आर्क एंड आर्किटेक्चर उस टाइम पल्लवा पीरियड में बनाया करते थे और ये शोर टेम्पल वन इज शो टेम्पल और ये कहाँ पे है ऑफ महाबलीपुरम नियर चेन्नई इन तमिलनाडु तो आपका रॉक कट रथा टेम्पल भी महाबलीपुरम नियर चेन्नई इन तमिलनाडु और कैलाशनाथ टेम्पल और शोर टेम्पल भी आ, इन नियर महाबलीपुरम नियर चेन्नई इन तमिलनाडु तो आपको दोनों याद रखने और दी द टेम्पल्स व इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन इन टेम ये टेम्पल सिर्फ वर्शिप करने के लिए नहीं होती थी ये टेम्पल्स में और क्या काम होता था दिस द टेम्पल्स वर द इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन एजुकेशन के लिए सेंटर था सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट होते थे कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कम्युनिटी मीटिंग और यहाँ पे कम्युनिटी uh, मीटिंग्स भी हुआ करती थी टेम्पल्स में टू डिस्कस द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ दी पीपल लोगों की कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन में है आपके ई पार्ट में हाउ वर द टेम्पल्स इन द पल्लवा पीरियड सोशली यूजफुल तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं कि वो सोशली यूजफुल क्यों थी बिकॉज दे वर द टेम्पल्स वर द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कम्युनिटी मीटिंग टू डिसकस द कॉमन प्रॉब्लम्स दिस ये आर्क एंड आर्किटेक्चर में के बारे में हो गया ना अबाउट रिलीजन ये लास्ट टॉपिक है इस लेसन का रिलीजन में डिवोशन भक्ति वॉज द पर्सनल रिलीजियस मैटर भक्ति सबकी पर्सनल रिलीजियस मैटर थी और सब फ्री थे कि कोई भी किसी भी भगवान की पूजा कर सकते थे इसमें दो डी विष्णु एंड शिवा वर्दी मेन डी विष्णु और शिवा मेन भगवान थे द डिवोटी ऑफ शिवा शिवा के डि डियो, डिवोटी को नयानास और विष्णु के डिवोटी को अलवरास कहते थे आप कैसे याद रखोगे शिवा के ड्यूटी को नयानास शिव शिवजी के तीन नयन होते हैं तो आप नयन के याद रख के नया याद रख सकते हैं और विष्णु के अलवरास और ये आ, ये भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आंसर में है एक्सप्लेन द रिलीजियस बिलीव ऑफ पल्लवास तो आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो सो दिस ऑल अबाउट लेसन नंबर एटीन एंड योर लेसन नंबर एटीन हैज़ बीन कंप्लीटेड होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ए नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियोज So thank you once again.